हम बनाएंगे चटपटी खट्टी मीठी छत्तीसगढ़ी पारंपरिक रेसिपी। इसे हम किसी भी सीजन में बना सकते हैं। गर्मियों में बनाने पर गर्मियों से आपको राहत दिलाएगी। 500 ग्राम कोचई लिए हैं, इसे अरबी या गोया भी कहा जाता है। कुकर में 1.5 ग्लास पानी डाल लें, साथ ही पानी में 1/4 टीस्पून नमक भी डालें और अरबी डाल दें और कुकर को गैस पर 2 सीटी के लिए रख दें। अरबी को ठंडा कर लें और छिलका निकालकर मीडियम साइज में काट लें। कढ़ाई में 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालें। आप अपनी पसंद का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल के गर्म हो जाने पर अरबी डालें और डीप फ्राई करें। सुनहरा कलर आने पर इसे प्लेट में निकाल लें। गैस पर कढ़ाई रखें और 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालें। तेल के गर्म हो जाने पर 1 टीस्पून जीरा डालें, 5 हरी मिर्च और करी पत्ता डालें और तुरंत ही ढक दें। ऐसा करने से तड़का का पूरा स्वाद तेल के अंदर ही रहेगा। 2 से 3 सेकंड बाद इसमें डालें 500 ग्राम पकी हुई पीले कद्दू या कुमड़ा। आप हरे कद्दू का भी यूज़ कर सकते हैं। पके कद्दू का यूज़ करने से सब्जी का स्वाद उभर के आता है। छत्तीसगढ़ में यह रेसिपी खास करके दिवाली के दिन हर घर में बनती है। यह दिवाली पर बनने वाली पारंपरिक रेसिपी है। कुमड़ा को धीमी आंच पर पकाने के बाद 5 से 6 लहसुन और 2 से 3 इंच अदरक कूटकर डालें। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाकर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालकर थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाला जले नहीं। अच्छी तरह से मिलाकर मसालों को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद फ्राई किए हुए अरबी डालकर अच्छी तरह से मिला लें और मसालों के साथ 1 से 2 मिनट पकाएं। इसमें 1.5 ग्लास गर्म पानी डालें और अच्छी तरह से मिला लें। उबाल आने पर 250 ml मठा, मही या छाछ डालें। मही के स्थान पर आप खट्टी दही का भी यूज़ कर सकते हैं। मही डालने से ही यह रेसिपी खट्टी और पके कद्दू डालने से मीठी लगती है और इसका स्वाद खट्टी मीठी और चटपटी लगती है। सब्जी में अच्छी तरह से उबाल आने पर और ग्रेवी के गाढ़ी हो जाने पर इसमें कटी हरी पत्ती धनिया डालें और गैस बंद कर दें। 1 से 2 मिनट बाद इसे अच्छी तरह से मिला लें। हमारी कोचई कुमड़ा की चटपटी और खट्टी मीठी सब्जी बनकर तैयार है। अब इसे सर्व कर देंगे चावल या रोटी के साथ।